कक्षा 10 का सामाजिक अध्ययन हम लोग शुरू करते हैं। समकालीन भारत, ये हम लोग भूगोल का पहला पार्ट के चैप्टर कर रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कई 4-5 पार्ट कर चुके हैं। अब आज हो सकता है इसका अंतिम दिन होगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भारत में कितनी मिट्टियाँ हैं, ठीक है। मुख्य हम लोगों ने 5-6 प्रकार पढ़े थे इनके, है ना, 6 प्रकार में आपको मैंने मैप में समझाया भी था। और हम लोगों ने पीछे कहाँ छोड़ा था, इस जगह पर छोड़ा था कि मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है, ठीक है ना। आइए अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए भारत का नक्शा ज़रूर देखिए, इसमें पड़ोसी देश के नाम याद रखिए। अच्छा देखिए, आपको यहाँ पर मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि जो आपने देखा होगा ध्यान से, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ठीक है, इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा। ध्यान रहे इसको लाइन ऑफ कैंसर, ठीक है, या कैंसर लाइन, ठीक है, कैंसर लाइन बोलिए, कैंसर लाइन ऑफ कैंसर मत बोलिए, ठीक है, लाइन कैंसर लाइन है ये। कौन सी है? कैंसर लाइन, ठीक है, कर्क रेखा इसको बोलते हैं हम लोग। ध्यान रखिए ये कितने पे है आपकी, 23-23 अंश पे है, ध्यान रखिए उत्तरी अक्षांश पर। अक्षांश में दिशा बोलना जरूरी होता है क्योंकि पृथ्वी से आधे भाग पर बांटने के बाद जो उत्तरी भाग होता है, ठीक है, वो ये देखिए आप लिखा होगा ना 20-28 इधर 24-32, ठीक है, ये अक्षांश हैं, ठीक है। उत्तरी देखिए ऊपर लिखा भी है, ये उत्तरी इसका मतलब है। ये आप, ये जरूरी है, आपको मैप पढ़ने में सुविधा करेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं फिर कि बढ़ता जाता है, ठीक है। नदी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण, या मैं आपको कल बता चुका था कि भाई जैसे नदी में ऊपर से पत्थर पिसते हुए रगड़ते हुए धाराओं के साथ आते हैं तो ऊपर मोटे कण होंगे, फिर नीचे और नीचे आते आते बहते हुए पानी बिल्कुल समुद्र के पास जब बिल्कुल घाटियों में नीचे की तरफ आ जाता है मैदानी क्षेत्रों में, तो उसके बहुत बारीक होते चले जाते हैं पार्टिकल, ठीक है ना। तो ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है, और ऐसी मृदाएँ जो होती हैं, ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चोट क्षेत्र, है ना, और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये मैप में तराई का क्षेत्र आप जानते हो, उधर राजस्थान का है ना, मोटे मोटे वहाँ बालू के कण होते हैं और ऊपर उधर हैं, तो ये सब जो है आपके इस तरीके से हैं। अब उसके बाद कणों के आकार का घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जरूर, मैंने आपको कल बात बताई थी कि हम लोगों की जो खादर मिट्टी, सॉरी जो जलोढ़ मिट्टी है, वो दो भागों में, मतलब दो उसको बोले जाते हैं, एक बांगर और एक खादर, ठीक है ना। जो आपकी नई वाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर, और जो पुरानी है उसको बांगर बोलते हैं, ठीक है। बांगर मृदा में बंकर ग्रंथियों की मात्राएं ज़्यादा होती हैं। अब ये कंकर ग्रंथियां मतलब छोटे छोटे कंकड़ ज़्यादा होते हैं। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा माइनकड़ पाए जाते हैं, ठीक है। बांगर जो होती है वो कैसी होगी आपकी, कंकड़दार होगी, और जो खादर होगी तो वो कैसी होगी, खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा माइनकड़ पाए जाते हैं। अच्छा, जलोढ़ मृदाएँ बहुत उपजाऊ होती हैं। कौन सी? जलोढ़। जलोढ़ में चाहे वो बांगर हो चाहे वो खादर हो, अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ पोटास फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने चावल गेहूँ और अन्य अनाजों में के लिए अच्छा बनाती हैं, ठीक है। दलहन फसलों की खेती के लिए भी उपयुक्त हो जाती हैं। दलहन मतलब दालें आपकी जो है, अरहर मूंग चना इस तरीके की जो भी दालें होती हैं। गहन कृषि की जाती है और यह जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, ठीक है। यहाँ जहाँ है तो उपजाऊ ज़्यादा है, तो खेती ज़्यादा है, तो वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ खाद्य पदार्थों की उपज भी अच्छी है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएँ अधिक क्षारीय होती हैं, इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। भाई क्षारी हैं, अगर उनमें हम ज़्यादा करें तो उनका क्षार दी, उनमें सिंचाई करें, पानी भरें, ऐसे पेड़ लगाएं जिनको क्षार अवशोषित कर लेते हों, तो जो मृदा है उसकी अम्लीयता बढ़ेगी तो पेड़ अच्छे होंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जितने फूल वाले पेड़ होते हैं उनकी मिट्टी जो होती है वो थोड़ी अम्लीय प्रकृति की होनी चाहिए। आपके गुड़हल हैं, गुलाब हैं, अगर इनमें हम लोग थोड़ा सा जैसे फिटकरी है उसका अगर पानी हल्का सा डाल दें, तो या केले के छिलके आप रखे रहने दीजिए कई दिनों तक उसको पानी में डाल के, और फिर उस पानी को गमलों में डालिए, गुलाब है इनमें, तो आपके बहुत अच्छे फल होते हैं, ठीक है, फूल होते हैं, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। फिर है अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएँ अधिक क्षारी होती हैं, इन मृदाओं का सही उपचार करके सिंचाई पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा, आइए अब हम लोग काली मृदा की बात करते हैं, ठीक है। जलोढ़ की तो बात हो गई, आपको बता भी दिया हमने, जो आपकी पुरानी है जलोढ़ खादर
और जो बांगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो खादर है वो नई होती है ना, पुरानी जो होती है वो बांगर होती है। अब देखिए काली मृदा की बात करते हैं, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहते हैं। कौन सी? रेगर। ध्यान रहे काली मृदा को रेगर भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। देखिए एक लॉन्ग में मिट्टी का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको लॉन्ग में उसको करना होता है, 6 मार्क्स में एक्सप्लेन करना होता है सभी मिट्टियों को, या दो दो नंबर में एक एक मिट्टी की विशेषता। अब तो बोर्ड एग्ज़ाम में आने लगा है, लॉन्ग थोड़ा कम कर दिया बच्चों को ताकि दिक्कत ना हो। तो मृदा भी कहा जाता है काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त उचित समझी जाती है। काली कपास कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इस ध्यान रहे जो आपका कोयला होता है उसको काला सोना कहा जाता है, ठीक है, और जो कपास है वो काली मिट्टी में उगता है, तो इसलिए हम लोग जो है जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को हम लोग काली कपास मृदा भी बोल देते हैं, ठीक है। जबकि कपास तो सफ़ेद ही होगा, ठीक है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान रहे इस बात का, जो जनक सैलें हैं, ठीक है, यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सैलों ने काली मृदा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये दक्कन का पठार जो बेसाल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये कहाँ पे हम लोग हैं? उत्तरी पश्चिमी भागों में है। उत्तरी और पश्चिमी आप नक्शे में किधर बोलेंगे? आपका जो राजस्थान का पार्ट है, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, इधर वाला हरियाणा, पंजाब, ये सब आपका कौन सा इलाका आएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका उत्तर पश्चिम में आएगा। तो यह खबर जो है दक्कन के पठार और बेसाल्ट जो है, जो इधर कुछ आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का भी भाग आ जाता है, ठीक है, यहीं पर काली मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में। इधर तो हरियाणा पंजाब में हल्की सी मिलती है, इधर नहीं तो जरूर मिलती है हम लोगों के पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करें इन आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ये देखिए आपको मिट्टी, काली मिट्टी देखिए ऐसी दरार पड़ जाती है, आपने इस फिगर में तो देख रहे होंगे आप, ठीक है ना, काली मृदा। आइए इसके आगे चर्चा करते हैं हम लोग। जनक सैलों से बनी है, ठीक है, लावा जो जनक सैलों से बनी हैं ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। देखिए आपको आ गया ना, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियां की घाटियां तक फैली हुई है। कहाँ तक? अभी देखिए मैप में आप इन नदियों को ढूंढें, आपके पास फ़ोन है तुरंत उसको अभी याद हो जाएगा अगर आप नेट पे मैप निकालिए नदियों का और उसको देखिए कि कृष्णा नदियाँ किधर हैं, इन्हीं राज्यों के आसपास होंगी, तो इन राज्यों को ढूंढें। नहीं तो मेरा सुझाव है कि आप लोग एक मैप ज़रूर खरीद लें, नदी का, पर्वत का, अलग अलग आपको जो है मेला में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, उसके घर में चपकाइए और उससे पढ़िए। काली मृदा बहुत महीन कण अर्थात मृत्तिका से बनी है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, ठीक है। आप देखिए ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ फार्मूले भी बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे कैल्शियम कार्बोनेट, ये खड़िया का सूत्र होता है CaCO3, याद रहे यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यही घर में जो संगमरमर पत्थर बिछाया जाता है उसका भी यही फार्मूला है, ध्यान रहे, ठीक है, सिर्फ कणों की व्यवस्था का अंतर है बस, तो वो हार्ड हो गया वो सॉफ्ट है। इसके बाद आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने, इनके इसी की जगह आप मैग्नीशियम डाल दीजिए, पोटेशियम डाल दीजिए, ठीक है ना, तो इनके कार्बोनेट हो गए, इनके पी फास्फोरस वाले सूत्र हो गए, इस तरीके से फास्फोरस यानी पी, और अलग से भी फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, जब भी ध्यान रखिएगा K2PO4 इस तरीके से होगा। अब इसके बाद K3 वाला भी होता है, ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। देखो मृदाएं अच्छा पूरा मैंने नहीं पढ़ा था, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इनके अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार
से ही शुरू कर दी जाती है। अच्छा ये काली, देखिए आप नई बात आपको पता चली, मुझे भी खैर पता चली कि काली मिट्टी जो होती है क्या करते हैं, ये बारिश में गीली नहीं होने देता, फूल जाएगी तो फिर वो चिपचिपी हो जाएगी। गांव में आपने घर बनते देखे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा उसको कचिला माटी हम लोग के क्षेत्र में बोला जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा कानपुर देहात में जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कचिला माटी बोलते हैं। तो हम लोग तालाबों में या जहाँ पर जानवर सड़ते गलते और सब वो पूरा गांव का खेत का फिर नीचे बैठ जाती है ना तालाब में मिट्टी, तो वो मृतिका ही तो सब हो गया, ठीक है। मिट्टी एक प्रकार की जो जीव जंतुओं के अवशेषों से बन जाती है आके धीरे धीरे। फिर लाल और पीली मृदा की बात कर लेते हैं। लाल मृदा दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। कहाँ पर, ध्यान रहे, दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। अब पूर्वी और दक्षिणी भाग मैप में आप कहाँ देखेंगे, तो तमिलनाडु कर्नाटक ये वाले इलाके जो हैं आपके ना, इधर मध्य प्रदेश का इधर नीचे का हिस्सा, ठीक, उड़ीसा के और नीचे इधर इस तरफ का, ये सब आपके कहाँ आ जाएंगे, पूर्वी दक्षिणी में, ठीक है। कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ झारखंड का भी इसमें होगा। भागों में विकसित हुई लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग किसके कारण होता है, रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग क्योंकि जंग का रंग आप तो देखा होगा भूरा होगा ना, इस तरीके से है ना, एमपी में देखी होगी लाल मिट्टी होती है तो वो होती है आपका, कौन सा फार्मूला सबसे ज़्यादा होता है उसमें, उसमें जो है आपका ये लोहे में जो जंग लग जाती है तो Fe2O3, ठीक है, ये जंग का सूत्र होता है। इसकी वजह से आयरन के ऑक्साइड की वजह से रंग लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात कर लेते हैं लेटराइट मृदा की। तो लेटराइट मृदा क्या है आपकी, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है या भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है या अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क। देखिए अब इसमें आप चीज़ समझिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। देखिए ये जो आप ये तो समझ गए कि लेटरल मतलब क्या होता है ग्रीक में, ईंट, ठीक है, ईंट जैसा लाल रंग हो गया। अब उसके बाद कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में, अब उष्ण कटिबंधीय जहाँ पर नमी होता है, मॉइस्चर, ठीक है, उमस जिसको बोलते हैं, तो पूरे जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ऐसे पट्टियाँ बांट रखी गई हैं, तो इनमें कहाँ नमी होती है, कहाँ पे वर्षा अधिक होती है, कहाँ ये ठंडी होती है, तो इन पट्टियों के अलग अलग आप नाम सुनते हो, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है ना। तो ये वाला उष्णकटिबंधीय है और ये उपोष्णकटिबंधीय है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसलिए ध्यान रहे। और भारी वर्षा, अचानक बहुत तेज वर्षा होती है, फिर उसमें निस्खलन होता है, मिट्टी का छनती है और उसके पोषक तत्व तो नीचे छन जाते हैं, अलग अलग मृदा मृदा के कण रह जाते हैं, ठीक है। तो ये लेटराइट अधिकतर जो है गहरी और इनमें अम्ली इनका गुण ज़्यादा होता है और इसके सामान्यता जो पोषक तत्व तो बहुत कम होते हैं क्योंकि निस्खलित छन जाती है ना मिट्टी, तो सिर्फ रेत के और वैसे दूसरे कण ही उसमें बचते हैं भारी, ठीक है, बाकी महन बारीक ह्यूमस जो होता है, ठीक है, मृतिका जिसको बोलते हैं वो आपकी बह जाती है उसमें। तो जहाँ पर ये उत्तरी पूर्वी में है जैसे उड़ीसा और उधर पश्चिम बंगाल जहाँ गंगा यमुना का डेल्टा है, तो इस जगह पे आपके जो मिट्टी है तो उसमें ह्यूमस बहुत पर्याप्त मात्रा में नदियों से जो बहा के लाया गया है, तो उसकी वजह से वहाँ पर सदाबहार वाले जो है वन है। सदाबहार का मतलब उनकी पत्तियाँ झड़ती नहीं है कभी और पूरे वर्ष भर बने रहते हैं, ठीक है। और पर्णपाती, तो पर्णपाती का मतलब पत्तेदार, ठीक है ना, जो सीजन के साथ अपनी पत्तियाँ गिरा भी सकते हैं, ठीक है। और सदाबहार जो हमेशा हरे भरे पूरी वर्ष भर बने रहते हैं, उनकी पत्तियाँ नहीं झड़ती, ये याद रहे, ठीक। उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं अब कि ये शुष्क मात्रा में, ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था ना, और अर्ध शुष्क लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे के परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंत स्तंभ अवरुद्ध हो जाता है।
इस मृदा को सही तरीके से संसिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता। भाई देखिए, धीरे धीरे निश्चालित हो गए, अब महीन कण तो नीचे छनते छनते जाके रंध्र बंद हो गए, ऊपर सिर्फ आपकी वो बालू और पत्थर टाइप की मिट्टी बची, तो उसको अगर सही से सिंचित किया जाए, सींचा जाए, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो सकता है कि अच्छा उपजाऊपन, उसमें नमी लाई जा सकती है और उसको जोत के उसमें जो खेत की जा सकती है, ठीक है ना। ध्यान रहे चंदन इनफिल्ट्रेशन यानी कि ना छान पाना, ठीक है ना। इसके बाद वन मृदा की बात कर लेते हैं, तो ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय, वहीं के पत्ते झर गए, नीचे मिट्टी धीरे धीरे बन गई, ये है वो वन मृदा। तो ये मृदाएं आमतौर पर कहाँ पर पाई जाती हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएँ दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढलों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। भाई ऊपर जैसे बनी, फिर धीरे धीरे बारिश के साथ आई, तो नीचे कुछ कीचड़ जैसा उसमें बन गया है ना, चिकनी मिट्टी टाइप की बन गई, धीरे धीरे सड़ सड़ के वो गल के पतली, तो उस तरीके की वो दोमट और सिल्टदार दोनों हो गई, ठीक है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती है। भाई धीरे धीरे आके नीचे वो उपजाऊ, उसमें ह्यूमस डेवलप हो जाता है ना, और उसके पोषक तत्व विघटित हो जाते हैं। फिर आता है मृदा अपरदन और जो है संरक्षण। अच्छा, मरुस्थली जो है मृदा हम लोगों ने नहीं पढ़ी ना, हाँ हम लोग इसमें आ गए सीधे। अच्छा, मरुस्थली में तभी वहाँ अवरुद्ध वाला, ये बालू वाली थी बात, ठीक है। मरुस्थली मृदा रंग में भूरी होती है और ये बड़े रेत और लवणीय होती है, ठीक है। इसके बाद और मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, ऊपर था ये हम लोगों ने उसमें गलत पढ़ लिया ना, बढ़ती चली जाती है, और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह जम जाती है। चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं किस पे, मृदा अपरदन और संरक्षण की बात कर लेते हैं। तो मृदा के कटाव और उसके बाहों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, मृदा अपरदन। बिल्कुल साधारण है, याद हो गया होगा मृदा अपरदन क्या है, तो मिट्टी के कटाव को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। अब ये जल के द्वारा भी हो सकता है, बारिश से, हवा के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं से वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है, तथा प्राकृतिक तत्व जैसे आपके पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन नहीं, एक मिनट, अच्छा ये हाँ, प्राकृतिक तत्व जैसे आपके पवन, ठीक है ना, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। भाई मिट्टी से भी होता है, नदी के पानी से भी और बारिश के जल से भी, ठीक है। और बहता जल मृतकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ यानी छोटी छोटी गुफाएं जैसी ऐसी पतली पतली लाइनें बनाते चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी का ढेर बनाइए, ऊपर से पानी डालिए उसमें, तो पानी की धारियाँ मिट्टी को काट काट के ढेर सारा बना देंगी, तो उस तरीके से है ना। ये आपको एक फिगर देखिए बना के दिया गया है नीचे, आप इसको समझ सकते हो। ये देखिए है, मिट्टी कट जाता है, आपने खेतों में घरों में आपने देखा होगा मिट्टी के मकानों के आसपास चबूतरों में, इसने तो ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, और इसे उत्खात भूमि या बैड लैंड कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। अवनलिकाएँ जिसमें बन जाती हैं, कट जाती है तो उपजाऊ की मिट्टी हट जाती है, तो इसे हम लोग उत्खात भूमि बोलते हैं, यानी बैड लैंड। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खंडित हो गई, आपने सब सुना होगा ना, तो खंड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा खुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। क्या वही उपजाऊ ऊपर की हट गई, तो ऊपर की एक चादर जो थी ना मिट्टी की अच्छी वाली, वो सीट हट गई, तो अब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चादर अपरदन हो गया, ठीक है। ये क्षेत्रीय भाषा अपने अपने अनुसार उसको परिभाषित कर लिया गया। अब उसके बाद आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिर क्या हुआ, एरोजन। ध्यान रखना, अपरदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरोजन, क्योंकि कई बार आपके सामने आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसलिए क्या है, ठीक है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है, ठीक है। जल द्वारा अपरदन तो जल अपरदन, और पवन द्वारा तो पवन अपरदन। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं,
जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है। ठीक है भाई, ढाल वाली जो भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर, अब आप जैसे मतलब ये हुआ कि जैसे खेत, आपको ये फिगर्स में अगर समझाऊँ तो जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, इस तरीके की आपने देखा होगा स्टेप वाली खेती की जाती है, ठीक है ना। तो स्टेप वाली जो खेती की गई, तो जो ये स्टेप वाला ये जो ये राउंड शेप में ये जो है, इसमें खेती इस तरीके से अगर जोता जाए तो बेड़ा बेड़ा धारी बन जाएंगी, तो ऊपर से जो पानी आएगा वो रुक पाएगा, मिट्टी कटेगी नहीं। और अगर हम ये ऐसे ऐसे जोत देंगे इसको, तो पानी के साथ जब आएगी तो वो भी साथ में बहा के ले जाएंगी। तो ये यहाँ पर बोला गया समोच्च जुताई है ना, काउंटर प्लकिंग, ठीक है, जुताई को तो आप लोग सब लोग जानते होगे, है ना, प्लकिंग बोलते हैं ना, प्लॉइंग है। अब ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, यानी ये स्टेप, ठीक है, सीढ़ीदार इस तरीके के पहाड़ होते हैं ना, तो उसमें अब 3D में मैं आपको इसलिए ऐसा फिगर मैंने बनाया, ऐसे सीढ़ी होती हैं, तो ये चौकोर चौकोर आपके खेत होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जैसे पावदान सीढ़ी के, ठीक, तो इसमें बेड़ा बेड़ा जुताई की जाती है ताकि मिट्टी ऊपर से जल आए तो वो मिट्टी को काट कर ना ले जाए। फिर कृषि अपरदन को नियंत्रित करता है, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, ये पवनों तथा जनित बल को कमज़ोर कर देती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं, ध्यान रहे, छोटी छोटी पट्टियाँ बनाई, उसमें क्या लगाया, घास लगाया, ताकि आंधी और पानी से एकदम मिट्टी कट के नीचे ना जाए, ठीक है, तो ये पट्टी कृषि हो गई। अब पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षा करते हैं ना, शेल्टर बेल्ट बना देते हैं हम लोग, मेखला बना दी मेखला, ठीक है, बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इस रक्षक पट्टिका का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। पश्चिमी टेले मतलब इधर राजस्थान और आपके गुजरात की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन हैं, भारत के पर्यावरण की दशा, अच्छा कुछ पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, अभी चैप्टर आपका तो ख़त्म हो गया, देखिए महत्वपूर्ण अब ये भी ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, है ना, वैसे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया आज, चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। सुखोमजारी गांव और झबुआ जिले में ने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13% हेक्टेयर था, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 हो गया, यानी कितना उन्होंने पेड़ लगाया और अपनी भूमि को ठीक कर लिया। और पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखोमाजरी में 1979 में 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी, ठीक है ना, और वो अब बढ़ गई है। उसके बाद अगला है आपका, पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% हिस्सा अगर कहें तो हम लोग, ठीक है, को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। यानी उन्होंने क्या किया, नदी इस तरीके से बांट दी, नहरें इस तरफ से काट दी कि जो है जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं थी वहाँ पर अच्छी भूमि, जो आपकी उन पांचों मिट्टियों में से कई प्रकार की मिट्टियाँ थी वहाँ, तो उनको अच्छे से लाल मिट्टी है ना और रेगुर मिट्टी, ठीक है, इनको अच्छे से सिंचित किया जा सके और हरे भरे वहाँ खूब हरियाली हो गई, ठीक है। सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आज वीडियो इतना ही रखते हैं, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन हाँ आपको सीखने को भी मिला।